अस्सलाम वालेकुम लेडीज एंड जेंटलमैन, गर्ल्स एंड गाइस, दिस इज मी योर दिलबर होस्ट आरजेएस लाइव फ्रॉम स्टूडियो एफएम 93 रेडियो दिलबर। क्या हाल है जनाब? होपफुली सब जो है वो फाइन शाइन होंगे, मजे में होंगे, जिंदगी को जो है वो गुजार रहे होंगे और ज़िंदगी के नशीब पर रात से जो है वो गुजर रहे होंगे और साथ साथ गमों की कश्ती में जो है वो सवार होंगे, लेकिन पर मुस्कुरा रहे होंगे, हंस रहे होंगे और रेडियो दिलबर का साथ निभा रहे होंगे। और आपका साथ निभाने के लिए हम आ चुके हैं, मुझे कहते हैं आयशा कवल, आरजे ऐश आपके साथ है, प्रोग्राम का नाम है आफ्टरनून विद ऐश। सो अ वेरी गुड आफ्टरनून, आदाब अर्ज है जनाब। जनाब आपका और हमारा साथ रहेगा 12 बजे से लेकर 2 बजे तक और इस साथ में होंगी बहुत सारी बातें, बहुत सारी गपशप, बहुत सारी दिल की बातें और जो मुंह में आएगा वो हम कह देंगे और आपको भी इजाजत देंगे, जो आपका दिल चाहता है वो आप कह सकते हैं और किस तरह कहेंगे वो भी मैं भी आपको बताती चलूं। जनाब आप लोग हमें कॉल्स करेंगे, लाइव कॉल्स में शामिल करूंगी 6515093 पर, 091 जो है वो एरिया कोड है। So hit fits the number 0916515093। इसके अलावा अगर आप लोग हमें मैसेजेस करना चाहते हैं तो राइट मैसेज के ऑप्शन में लिखिएगा RD, R for radio, D for दिलबर, स्पेस दीजिएगा, अपना नाम और पैगाम लिखकर भेज दीजिएगा 8282 पे। ठीक है ना जनाब, तरीकेकार मैंने आपको बता दिए कि आप कैसे जो है वो दिलबर FM में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, हमसे बात कर सकते हैं, हमारे प्रोग्राम में जो है वो शामिल हो सकते हैं और अब जो है ना वो प्रोग्राम का मेरे ख्याल में बाकायदा आगाज करना चाहिए। तेरे संग 11 खूबसूरत सा गाना आप सुन रहे थे आतिफ असलम की आवाज में, यकीनन आपने जो है वो एंजॉय किया होगा। सुन रहे हैं आप आफ्टरनून विद ऐश, मुझे कह रहे हैं आयशा कवल, आरजे ऐश जो आपके साथ साथ है रेडियो दिलबर FM 93 के स्टूडियो से। और जनाब आप जो है वो मुझे देख सकेंगे रेडियो दिलबर आरजे ग्रुप पर भी, यूट्यूब पर भी आप लोग सब्सक्राइब कर सकते हैं और वॉच कर सकते हैं, ठीक है? हमारे सब आरजेएस का प्रोग्राम, सिर्फ मेरा नहीं, बहुत सारे आरजेएस के प्रोग्राम्स जो हैं वो अवेलेबल हैं, उस पर आप लोग उसको ट्यूनिंग कर सकते हैं। इसके अलावा फेसबुक लाइव स्ट्रीमिंग पर भी आप मुझे सुन रहे हैं facebook.com/aisha.kaval.5 पर। और हमारे हिट फिट नंबर पर आप लोग कॉल्स कर रहे हैं 6515093 पर, 091 जो है वो एरिया कोड है और उस पर भी हम आपसे जो है वो बातचीत करेंगे। सिर्फ यही नंबर है जिस पर हम बातचीत करते हैं, इसके अलावा जो है वो हम बातचीत करने वालों में से नहीं है, खामोश खामोश रहते हैं। और जनाब अक्सर ऐसा होता है ना कि मैं आप लोगों से अक्सर कहती भी हूँ कि जस्ट लिपस्टिक लगा लेने से जो है वो फेस थोड़ा सा फ्रेश हो जाता है और आज मैंने वो भी नहीं लगाई और अजीब सा लग रहा है मुझे वैसे, क्योंकि अगर मैं वो वैसे घर में जो ना चुड़ैल कहते हैं जब मैं लिपस्टिक लगाऊँ तो वो कहते हैं कि यार तुम कुछ डबल ट्रिपल चुड़ैल लग रही हो, तो इसलिए मैंने नहीं लगाई। होता है ना जनाब, ऐसा होता है जनाब। और घर में तो खैर वैसे ही बहुत सारे नाम होते हैं, बहुत सारी आपकी जो है ना वो कभी कौन सा नाम रख दिया जाता है, कभी कौन सा नाम रखा होता है, वो बताने के भी नहीं होते। और चलिए आज हम आपसे पूछते हैं कि आपको घर में जो है वो चुराने के लिए किस नाम से पुकारते हैं और
क्या कहते हैं, और जो मतलब होता है ना फनी नेम्स होते हैं, फनी निक नेम्स होते हैं, या फिर बहुत सारे मतलब गुस्से वाले नेम्स अलग होते हैं, मजाक वाले अलग होते हैं, और बहुत सारे नेम्स होते हैं। तो हम आपसे पूछेंगे कि आपको घर में जो है वो किस नाम से चिढ़ाते हैं। मेरा वाला मत पूछिएगा जनाब, बहुत ज्यादा खतरनाक खतरनाक नाम है। ठीक है, तो मैं पहले से बता रही हूँ, मुझसे किसी ने नहीं पूछना, और आपसे मैं पूछ रही हूँ 6515093 पे। अच्छा एक बात है, वैसे हम अक्सर ज़िंदगी में जो है ना एक ऐसे स्टेज पर आ जाते हैं और हमें कुछ नज़र नहीं आ रहा होता, सब कुछ अंधेरा अंधेरा होता है, और हम कहते हैं कि यार हम तो बस डूब रहे हैं, कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा, कुछ भी जो है वो चेंज नहीं आ रहा, कुछ अच्छी पॉजिटिव चेंजेस नहीं आ रही, और बल्कि ऐसा होता है, ऐसा हम सोच रहे थे और उससे मज़ीद कुछ बुरा हमारे साथ हो जाता है। लेकिन एक बात जो मैं हमेशा कहती हूँ, और इसको अपने यकीन, इसको जो है ना अपने पल्लू के साथ बांध दीजिए, कि इस बात पर यकीन रखें कि अल्लाह जिसने आपको पैदा किया है वो आपसे बहुत मोहब्बत करता है, और वो ज़्यादा बेहतर जानता है कि आपके लिए क्या अच्छा है, क्या बुरा है, और क्या जो है वो बेहतरीन है। हमें ये लग रहा होता है कि ये जो हमारे साथ हो गया ये बहुत बुरा हो गया, और जबकि ऐसा होता है कि हो सकता है किसी बहुत बुरा होने से अल्लाह ताला ने आपको बचा लिया, थोड़ा सा गम देकर, थोड़ी सी जो है वो तकलीफ देकर। तो अगर इस बात को आप सोचेंगे और आप इस बात पर यकीन रखेंगे कि अल्लाह जो भी करता है वो बेहतर करता है, उसके हर काम में मसलहत होती है, तो यकीनन आपको फिर खुद कुछ टाइम के बाद वो वक्त भी आएगा कि जब आपको वो नज़र भी आएगा कि हाँ यार देखो अगर ये ऐसा होता ना तो इससे भी बुरा हो सकता था, तो कोई बात नहीं, थोड़ी सी मुझे तकलीफ मिल गई, उस टाइम तो मैं रो रही थी या उस टाइम तो मैं बहुत खफा हुई, लेकिन उसी में बेहतरी थी, और अल्लाह के हर काम में जो है वो बेहतरी होती है। इसको अपने पल्लू के साथ बांध दीजिए और पॉजिटिव सोच के साथ रहेंगे तो ज़िंदगी गुजारना आसान हो जाएगी, वरना इस ज़िंदगी में बहुत सारी टेंशन्स हैं, बहुत सारी परेशानियाँ, बहुत सारी मुश्किलात हैं, और वो आती रहती हैं, और इंसान ने हिम्मत और हौसले से जो है वो उसको फेस करना होता है। सो फेस इट एंड नॉट फेसबुक इट। ओके, फेस कीजिए जनाब, हिम्मत से जो है वो काम लीजिए, और इंशाल्लाह आपके सारे मसले जो है एक ना एक दिन जरूर हल हो जाएंगे। अच्छा मज़े की बात ये होती है ना, समटाइम्स लोग हमें देख रहे होते हैं, सोशल मीडिया पर हमें ज्वाइन इन करते हैं, बहुत सारे लोग फॉलो कर रहे होते हैं, हमें मालूम भी नहीं होता कौन हमें फॉलो कर रहा है, कौन हमें नहीं कर रहा फॉलो, और जो है वो क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। हर इंसान की एक सोच होती है और वो मुख्तलिफ होती है दूसरे इंसानों से। लोगों को आपको लग रहा होता है कि आप बहुत खुश हैं, बहुत मज़े में ज़िंदगी गुजार रहे हैं, और अंदर से चाहे आप जितनी भी टेंशन में हो कुछ भी हो, और वो उनको नहीं पता होता, और ये अच्छी बात है, पता होना भी नहीं चाहिए, बिकॉज आपकी लाइफ में जो टेंशन है या जो भी परेशानी है वो आप तक ही रहनी चाहिए, या जो आपके इर्द गिर्द जो आपके करीबी दोस्त हैं रिश्तेदार हैं उनको मालूम होना चाहिए, और इसके अलावा अपने चेहरे पर जो है वो स्माइल सजा के रखें, जो आपके दुश्मन हैं या जो आपसे हसद करते हैं ना वो भी जल जल कर राख हो जाएंगे। ठीक है ना जनाब, ये मैंने आपको गुर बता दिया आज वैसे। और ये इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि बहुत सारे लोग जो हैं वो आपके साथ सिंसियर नहीं है, ज़रूरी नहीं है कि वो आपकी लाइफ में क्या हो रहा है ये जानने के लिए इंटरेस्टेड हो, बल्कि वो ये सोच कर या ये जानकर खुश होंगे कि अच्छा आपकी लाइफ में टेंशन चल रही हैं, आपकी लाइफ में मसले चल रहे हैं, ये हो रहा है वो हो रहा है, तो उनको बताने की ज़रूरत ही नहीं है। हाँ, अच्छे लोग भी होंगे जो आपके लिए दुआ गो होंगे, आपको जो है वो दुआओं में याद रखते होंगे, तो ऐसे लोगों को बताना चाहिए ताकि वो और कुछ नहीं तो आपके लिए दुआ कर सकते हैं और आपको जो है वो तसल्ली दे सकते हैं, हौसला दे सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर आप लोग हैं और आपसे हम हर दिल की बात कर देते हैं, बिकॉज आप लोग, ये मेरा फैमिली रेडियो चैनल है और आप लोगों जिनसे मैं मुखातिब हूँ, आई ऑलवेज कंसिडर यू एज अ फैमिली, और फैमिली में जो है वो दिल की हर बात कह दी जाती है, और आप लोग हमेशा मुझे दुआ में याद रखते हैं, मुझे बहुत अच्छा लगता है। और मैं भी आपको याद रखती हूँ दुआ में, क्योंकि आप लोग जो है वो मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, और मैं हमेशा कहती हूँ आई जस्ट लव रेडियो, और रेडियो दिल भर की तो बात ही कुछ और है।
हाँ, तो बात मैं ये कर रही थी कि हम लोगों को एकदम से जज नहीं करना चाहिए ना। समटाइम्स ऐसा लग रहा होता है कि बंदा बहुत ही मुस्कुरा रहा है, हंस रहा है, ये है, तो वो तो बड़े मजे में जिंदगी गुजारे, हो सकता है उसको कोई डिप्रेशन हो, सकता है उसको कोई टेंशन हो, तो हम बजाय हाल पूछने के हम उल्टा जो है ना वो ये बातें कर रहे होते। बल्कि कभी कभी तो मुझ जैसे लोगों को नजर भी बहुत जल्दी लग जाती है, थोड़ा सा मैं मुस्कुराऊँ ना तो बस फिर रोना तो बनता ही बनता है। और फिर जो है ना लोगों के सामने मुस्कुरा रहे होंगे, रात को अकेले में रो रहे होंगे, तो ऐसा हो जाता है, नज़र भी लग जाती है। बजाय इसके कि हम दूसरों का हाल चाल पूछे, हम जो है ना बस जेलसी में लग जाते हैं या फिर हम नज़र लगाने में लग जाते हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए और समझना चाहिए, एकदम से किसी को जज नहीं करना चाहिए। ठीक है ना जनाब, आफ्टरनून विद ऐश आप सुन रहे हैं। और यार आज इंग्लिश सॉन्ग सुनते हैं क्योंकि दैट्स अ ब्यूटीफुल वन एक्सेंट का, दैट्स माय नेम एंड माय नेम इज आयशा कबल आरजे ऐश, तो स्टे ट्यून्ड, लव इज इन द एयर, दैट्स माय नेम। दैट्स माय नेम, I love the way you call my name. हम मुझे कहते हैं आयशा कबल आरजे ऐश, आपके साथ साथ है जनाब। आप किसके साथ हैं भाई? दो भाई हमारे साथ हैं, वाकई हमारे साथ हैं। चलिए ठीक है फिर, तो अगर साथ नहीं है तो पास आ जाइए जनाब 6515093651509 पे। आफ्टरनून विद आयशा आप सुन रहे हैं, मुझे कहते हैं आयशा कबल आर जो ऐश है वो तो आपके साथ साथ है ना जनाब। जनाब लोड शेडिंग का कोई हाल नहीं है जनाब, मौसम वैसे काफी हद तक तब्दील हो चुका है लेकिन फिर भी लाइट आना जाना जो है ना वो बंद नहीं हो रही। अच्छा एक बात मैं हमेशा कहती हूँ ना कि आपका दिल खूबसूरत हो तो आपके चेहरा जो है ना वो एक्सक्यूज मी, दिल खूबसूरत हो तो चेहरा जो है वो खूबसूरत नज़र आता है, और जो लोग दिल से अच्छे होते हैं उनको हर कोई खूबसूरत नज़र आता है, और जो दिल से अच्छे नहीं होते उन्हें कुछ भी खूबसूरत नज़र नहीं आता जनाब। और यही वजह है, वैसे मैंने कभी भी अपनी ज़ाहरी जो है ना वो लुक्स पे कभी भी तवज्जो नहीं दी, इस बात पर मुझे कभी बातें भी सुननी पड़ती हैं, लेकिन इट्स ट्रू, क्योंकि मैं समझती हूँ कि आपका अंदर जो है ना वो खूबसूरत होना चाहिए और वो खूबसूरत बनाना बहुत मुश्किल है। ज़ाहरी लुक्स को तो जस्ट आप थोड़ा सा मेकअप कीजिए, थोड़ी सी लिपस्टिक बल्कि लगा लीजिए, आपका ओवरऑल लुक चेंज हो जाता है, लेकिन अंदर से खूबसूरत होने के लिए आपको बहुत कुछ करना पड़ता है, बहुत कुछ जो है ना जैसे कहते हैं ना कि बड़ी सफाई करनी पड़ती है जनाब। बातिन जब साफ होता है तो ज़ाहिर खुद ब खुद साफ हो जाता है। और जो लोग पॉजिटिव सोचते हैं, पॉजिटिव करते हैं, तो यकीनन उनसे पॉजिटिव वाइब्स ही निकलती हैं, और वो रंग में या फिर चेहरे में या उसमें कुछ नहीं रखा जनाब, और वो खुद ब खुद आपको वो लोग अच्छे लगते हैं। लेकिन अगर आप अंदर से खूबसूरत नहीं हैं और बाहर से आपने बहुत अच्छी पर्सनैलिटी बनाई हुई है, टिप टॉप एंड ऑल दैट, लेकिन आपको वो लोग नहीं अच्छे लगेंगे, क्योंकि उनको जब आप उनसे बात करेंगे वो झूठ बोलेंगे, जब वो आपसे किसी महफिल में बैठे होंगे तो गीबतें कर रहे होंगे और चुगलियां खा रहे होंगे, या फिर जो है वो किसी की टांग खींच रहे होंगे, धोखा दे रहे होंगे, तो इस तरह के लोग बज़ाहिर वो कैसे भी खूबसूरत लग रहे हों, वो लोग किसी को भी नहीं अच्छे लगेंगे जब तक उनकी असलियत नहीं खुल जाती। हाँ असलियत नहीं पता तो तब तो हम कुछ नहीं कह सकते ना, अब तो लोग ज़ाहिर तौर पर बड़े मुतासर हो रहे होंगे कि वाओ व्हाट अ पर्सनालिटी, है ना, तो ऐसा होता है जनाब। तभी तो हम जो है ना वो यू नो लुक्स के कभी भी हम, मुझे कभी किसी ने इम्प्रेस नहीं किया लुक्स की वजह से, और ना मैं चाहती हूँ कि लुक्स की वजह से मैं किसी को इम्प्रेस करूँ, बिकॉज
हम जो है ना, हम इंसान हैं और हम जिस माशरे में रहते हैं, मेरे ख्याल में जब आप अच्छे अच्छे काम करते हैं, अच्छी बातें करते हैं, तो वही लोग जो है ना वो मुझे अट्रैक्ट करते हैं, और वही लोगों के साथ जो है ना हम बातचीत करते हैं, और वही लोग जो है वो आपके दिल के करीब होते हैं। ओके जनाब, आप लोग सो तो नहीं गए कहीं? अगर सो नहीं गए, जाग रहे हैं, और कुछ ज्यादा ही लेक्चर हो गया मेरा, मैंने ज्यादा लेक्चर दे दिया वैसे आज, क्या बात है। बस फिर तो लेक्चरर बन जाना चाहिए, है ना? बन जाना क्या चाहिए जनाब, 3 साल पहले तक, 3 साल हो गए ना ऑलमोस्ट, यस, कोई जॉब मैं नहीं करी उससे पहले तक, हम जनाब टीचिंग कर रहे थे कुछ कुछ अरसा, और अब तो हम बिल्कुल फारिग हैं, बिल्कुल वेले हैं जनाब, सिर्फ रेडियो के लिए आ जाते हैं, ये भी बहुत बड़ी बात है। सुबह सुबह उठना, सुबह सुबह तो नहीं, अभी भी लेट ही उठे, लेकिन वैसे नॉर्मली जो है वो आफ्टरनून में तो हम उठते हैं जनाब, आधा दिन तो गुजरा होता है, फिर मम्मी से बातें भी सुननी पड़ती हैं कि क्या रूटीन है, मतलब देर से उठना, रारी रात जो है वो जागना, ऐसा कोई करता है क्या? हम करते हैं जनाब। एनीवेज, मैं आपसे पूछ रही थी ना कि आप लोग हमें कॉल्स करके बताएंगे कि आपको घर में किस नाम से जो है वो चिढ़ाते हैं, और क्या कहकर जो है वो पुकारते हैं, या चले ये बता दीजिए प्यार से क्या बुलाते हैं, और ये भी बताइए कि गुस्से में क्या कहते हैं, ठीक है ना? दिलरुबा नाराजी, पखंदा नाराजी, हल्क वार यार मिला रो बेवफा। ब्यूटीफुल सॉन्ग आप सुन रहे थे, पश्तो ट्रैक दिलरुबा नाराजी। यकीन आपने एंजॉय किया होगा, उर्दू एंड पश्तो मिक्स सॉन्ग था फाखिर एंड जेब की आवाज में। आफ्टरनून विदेश सुन रहे हैं आप, और सुनते रहेंगे जनाब 2 बजे तक। कॉलर्स को हम शामिल करेंगे, और कॉलिंग लाइन नंबर जो हम फिर से बताती चलूं, 6515093651503। आज जनाब कॉलर सो रहे हैं, या फिर वो सॉन्ग्स के दौरान कॉल कर रहे हैं। सॉन्ग के दौरान मैं कॉल पिक नहीं करती, जब मैं सिर्फ ऑन एयर बात करती हूँ, जब सॉन्ग फिनिश हो जाता है, जब हम बात कर रहे होते हैं और जब हम नंबर अनाउंस करते हैं, उसी वक्त हम कॉल्स को रिसीव करते हैं, ठीक है ना? I love this BGM.